आवाज दो, हमारा तनखा सीजनल लेबरों को सीजनल, हमारी मांगे दो। करते हैं ऑनरेबल गवर्नर से, हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इससे पहले जो बीजेपी पीडीपी सरकार ने इन दबे कुचले मजदूरों के लिए एसआरओ 520 जो बनाया था, वो इनको कल्ला कमा करने के लिए बनाया था उन्होंने। हम ऑनरेबल गवर्नर से गुजारिश करना चाहते हैं कि एसआरओ 520 में आप इन्होंने ये नहीं लिखा था कि जो पेंडिंग वेजेस हुकूमत की तरफ से इनको मिल रहे थे, कि पेंडिंग वेजेस जो हैं वो इनको नहीं दे रहे थे, और आज तक वो पेंडिंग वेजेस के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं ये कैजुअल लेबर्स, सीजनल लेबर्स, वो हुकूमत का जो फॉल्ट था कि इनको नहीं मिल रहा था। तो आज जब हम एम्पावर कमेटी में देख रहे हैं कि वो वहाँ वो जो पेंडिंग वेजेस है वो पीरियड काटते हैं, और वहाँ वो यही कहते हैं कि 120 सीवी कंप्लीट होना चाहिए, जहाँ पीएचई इरिगेशन फ्लड कंट्रोल में ये जो कैजुअल लेबर्स है गवर्नमेंट की तरफ से इनको वेजेस नहीं मिले। आज उसमें एक मत तो मौजूद है कि उनमें वो जो ब्रेक्स है वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो है वो तो उनको कंडोन कर सकते हैं, लेकिन हुकूमत उसके लिए तैयार नहीं है। आज का जो गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन है वो उसके लिए तैयार नहीं है कि हम उनके ब्रेक्स को कंडोन करें ताकि उनकी जो सर्विस है वो हम उनको देंगे बराबर। या हम मांग करते हैं जो हमने मजदूरी की है, जो हमारे मास्टर शीट्स, जो हमारे अटेंडेंस शीट्स पेंडिंग है, वो मजदूरी दे दो, हमारे सीवी कंप्लीट हो जाएंगे। हम आपके माध्यम से ऑनरेबल गवर्नर से गुजारिश करना चाहते हैं, ये जो सीजनल लेबर्स हैं जिन्होंने 20 साल तक सिर्फ 80 सीवी लिए हैं और 20 साल इनको लगेंगे, कब ये रेगुलर हो जाएंगे? इसलिए हम गुजारिश करते हैं इनको वो सर्विस जो है वो मिलनी चाहिए जो इन्होंने दी है। और साथ में हम गुजारिश करना चाहते हैं कि जो इसमें अमेंडमेंट की जरूरत है, और जो वहाँ एम्पावर कमेटी कर रही है वो उससे हटकर यहाँ इंसाफ पे मबनी एम्पावर कमेटी बने और वो इसके लिए इनको मदद करें।